तो ये जो है मेरी चाय अच्छे से बॉइल हो गई है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मसालों की। तो चलिए अब इसको डाल लेते हैं कप में। बेटर हो गया, ह्यूमिडिटी है बट स्टिल बेटर है। आई होप आप इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। तो इस ऐसे मौसम में क्या होता है, जब चेंजेस होने लगते हैं तो आपके तो अब जो लास्ट चीज मैं इसमें डालूंगी जो कि बहुत ही अच्छा काम करती है खराब गले के ऊपर, वो है काला नमक। तो मेरे साथ भी अभी यही हुआ, थोड़ा सा चुटकी भर काला नमक डाल दिया है और ये जो है एकदम से आपके गले को इतना अच्छा सेक देगा कि एक ही कप चाय में आपका गला जो है एकदम बढ़िया ठीक हो जाएगा। इतना नहीं है, दवाइयाँ तो चल ही रही हैं, दवाई खानी ज़रूरी है। जो लोगों को ज़्यादा दिक्कत होती है दवाई से, दवाई के बिना वो ठीक नहीं होते हैं। तो ये हो गई हमारी गर्म गर्म चाय रेडी। एंजॉय। जो है अभी एक बढ़िया सी मसालेदार चाय बनाने वाली हूँ। मसालेदार, वो मसालेदार ऐसे नहीं है कि उसमें बहुत मसाले हैं, बट दो तीन चीज़ें मैं ऐसी डालने वाली हूँ जो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को तो बढ़ाएगा ही, आपके गले को आराम देगा, आपकी बॉडी को आराम देगा और आपको पी के तो अच्छा लगेगा ही। जो चाय लवर्स हैं उनको तो पसंद आएगी ही। तो मैं जो है चाय में अदरक नहीं डालती हूँ, क्योंकि अदरक से क्या होता है, आयुर्वेद में भी अदरक मना की हुई है चाय में और मुझे पर्सनली भी प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं नहीं पीती। चाय से जो है ब्लॉटिंग हो जाती है, मुझे भी होती है, बहुत सारे लोग होंगे जिनको चाय में अदरक डालने से ब्लॉटिंग हो जाती है, क्योंकि चाय जो है पहले से पेट के लिए भारी होती है। तो हम कोशिश करेंगे उसको थोड़ा हल्का बनाने की और हेल्दी बनाने की। तो मुझे अपने ये देख के याद आया, ये देखिए ये मेरा सर फूट गया था, कैसे चिमनी में टकरा गई मैं। तो हमारी चिमनी जो है थोड़ी सी नीची है मेरे हिसाब से और टाइगर के हिसाब से, वैसे ठीक है, और उसमें ये इतनी तेज लगा, चक्कर ही आ गए थे। तो और मुझे एक और चीज़ बोलनी थी आप लोगों को, किस किस ने हॉस्टल डेज देखा है, मैं आजकल वो शो देख रही हूँ। आपने वो शो देखा है, नहीं देखा वो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मैं जो है अपनी पर्सनली आपसे शेयर करना चाहती थी, क्योंकि घर में एक्चुअली रिवर टाइगर में से किसी ने देखा नहीं है तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किससे बात करूँ। होता है कोई भी शो आप देखें तो मन करता है उसके बारे में किसी से बात करने का, तो मैंने सोचा आपसे ही बात करूँ। तो उन लोगों ने तो देखा नहीं है तो मैंने सोचा आप लोगों से मैं बात कर लूँ उसके बारे में। तो मैंने जो है फर्स्ट सीज़न 2019 में आया था, मैंने वो तभी देखा था, और अब उसका सेकेंड सीज़न आया है तो मैंने क्या किया, दोनों साथ में देख लिए, क्योंकि ज़्यादा सीजन्स नहीं है, एक में 5 है एक में 4 है। तो शो जो है अच्छा बनाया हुआ है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मुझे जो है थोड़ी सी कमी लगी, क्योंकि बहुत कम एपिसोड्स हैं और एज सच चीज़ें आगे नहीं बढ़ी हैं। फर्स्ट सीज़न में चीज़ें चल रही थी वैसे ही, सेकंड में उतनी ही है, उससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ी है, और मुझे बस इस चीज़ की कमी लगी। शो ख़त्म हो गया और पता भी नहीं चला कि देख लिया है, कुछ हुआ है नहीं हुआ है, ऐसे मुझे लगा। वैसे अच्छा है, कॉमेडी अच्छी है, एक्टिंग अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, बट मुझे ऐसा लगा। आपने अगर देखा है तो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और चलिए चल के चाय बनाते हैं, टेस्टी सी चाय। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बर्तन ले लिया है जिसमें मैं चाय बनाऊंगी, और दूध और पानी का रेशियो एक कप चाय के लिए मैं रखूंगी, 3/4 मैं इसमें पानी डालूंगी और 1/4 जो है दूध डलेगा बाद में। ये एक कप चाय के लिए है तो इसमें मैंने 3/4 कप जो है ये पानी डाल लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी दूसरी चीज़ें, जिसमें मैंने सबसे पहले तो थोड़ी सी काली मिर्च को कूट लिया है, 3-4 दाने लेके उनको कूट लिया है, और थोड़ी चुटकी भर जो है हल्दी है, हल्दी जो है मैं कॉफ़ी में चाय में डाल लेती हूँ क्योंकि ये इम्यूनिटी के लिए, गले के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत अच्छी है। और फिर है मेरे पास तुलसी के पत्ते जिनको मैंने अच्छे से धो लिया है, और अब मैं इनको सबको यहाँ पे अपनी चाय वाले पानी में डाल लेती हूँ। तीनों चीज़ों को डालने के बाद अब मैं इसको गैस पर चढ़ाऊँगी, और जब भी थोड़ा थोड़ा सा बॉईल हो जाएगा तब मैं इसमें बाकी की चीज़ें जो हैं वो डालना स्टार्ट करूँगी। तो इसमें जो है थोड़ा थोड़ा सा बॉईल नहीं हो रहा है ये, बट गर्म हो गया अच्छा खासा। तो अब मैं इसमें चाय की पत्ती डाल रही हूँ, मुझे स्ट्रॉन्ग चाय अच्छी लगती है तो मैंने थोड़ी सी ज़्यादा पत्ती डाली है अपने हिसाब से, 1 चम्मच।
और अब मैं इसमें डालूंगी चीनी, एक चम्मच चीनी भी आप अपने स्वाद के हिसाब से डाल सकते हैं। जितनी मैं लेती हूँ मैंने उतनी चीनी डाली है इसमें। अब इसको बॉयल होने देंगे, जब ये बॉयल हो जाएगा तब इसमें दूध डालेंगे। ये अच्छे से बॉयल हो गया है, मसालों की खुशबू आनी स्टार्ट हो गई है बहुत अच्छी। अब मैं इसमें दूध डालूंगी, ये 3/4 कप जो मैंने दूध लेके रखा था ये मैं इसमें डालूंगी। तो ये हमारी चाय जो है बॉयल हो चुकी है, तो चलिए अब इसको डाल लेते हैं अपने कप में। लास्ट चीज़ जो मैं इसमें चाय में डालने वाली हूँ वो है एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट, एंड वो है काला नमक। काला नमक जो है चुटकी भर इसमें डाल लीजिए, आपके गले को इतना आराम मिलेगा आप भूल ही जाएंगे कि आपका गला ख़राब भी था, एकदम से आपके गला जो है ठीक हो जाएगा एक ही बारी में। Enjoy. So guys, मैं तो अपनी चाय enjoy कर रही हूँ यहाँ बालकनी के पास बैठ के, और बाहर जो है थोड़ी थोड़ी सी बारिश भी आनी शुरू हो गई है। तो आप लोग भी अपनी चाय enjoy कीजिए, और मेरा गला जो है एकदम से थोड़ी सी चाय पीते ही एकदम खुल गया है। अगर आपको भी थोड़ी सी दिक्कत है इस वेदर में तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एंड मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट ड्रॉप कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।